शीट नंबर 102 शीट्स बीच में छोड़ी हैं, वो होंगी, जरूर होंगी। उसमें से काफी क्वेश्चन हमने कर लिए एक्चुअली, जो ऑब्जेक्टिव शीट दी थी ना, काफी क्वेश्चन उसी में से हैं, तो इसलिए वो स्किप नहीं की, उसमें से 80% काम हुआ हुआ है। और वैसे भी क्योंकि अब थोड़ी ब्रेक है, तो मैं थोड़ा इतना काम करवा के भेजूंगी, वापसी आते हुए कुछ हो करने के लिए, टेस्ट भी तो लेना है। शीट नंबर है 102, इस शीट का नंबर डालो 102। बीच की शीट्स नेक्स्ट टाइम करेंगे डिस्कस, अभी के लिए। और इसके ऊपर लिखें फॉर एनसीईआरटी, लिखें फॉर एनसीईआरटी। करें स्टार्ट, ओके। तो टॉपिक है सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशंस, बहुत इजी चैप्टर है, सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन। इसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या प्रिंसिपल है, कि आप किसी हाइट पे जाके एक हल्की सी वेलोसिटी से किसी स्टोन को या किसी बॉडी को गिरे, तो प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करता हुआ वो ग्राउंड पे गिरेगा, थोड़ा और जोर के गिरेंगे तो वो फिर जमीन पे गिरेगा, थोड़ा और जोर की गिरेंगे तो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, और अगर हाइट इंक्रीज करके वेलोसिटी प्रोजेक्ट करेंगे तो वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, लेकिन अर्थ की सरफेस राउंड है तो वो गिरने की कोशिश तो कर रहा है, फ्लैट सरफेस कहाँ है, तो वो घूमना स्टार्ट कर देगा अर्थ के आसपास। ऐसा नहीं है कि अर्थ उसको खींच नहीं रही, अर्थ खींच रही है, पर क्योंकि वो टेंजेंशियली आगे जाता जा रहा है और अर्थ खींची भी जा रही है टूवर्ड सेंटर, तो वो किस में मूव करना शुरू कर देगा, इन सर्कल। तो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देती है। यहां तक क्लियर है? इसलिए जब सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, एक रॉकेट, सैटेलाइट, रॉकेट ऊपर गया, डायरेक्शन मोड़ी, प्रोजेक्टाइल की तरह प्रोजेक्ट किया सैटेलाइट और वापस आ गया, सैटेलाइट घूमती रहेगी। ठीक, अब फ्यूल भी कम लगता है, यहां बहुत हाइट नहीं होती सैटेलाइट की, ऐसे रॉकेट तो आराम से, कितनी सैटेलाइट अर्थ इंडिया लॉन्च कर चुका है, तो ऐसा रॉकेट है जो सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस आ जाता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब है कि सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी से एक ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाउ टू कैलकुलेट ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके लिए सपोज एक सैटेलाइट को वी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, तो सैटेलाइट वी से घूम रही है, घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल, और सैटेलाइट की हाइट कितनी है सरफेस से एच, लेकिन डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर। तो अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कितनी फोर्स से, जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फोर्स किसको मिल रही है, सैटेलाइट को, कहां मिल रही है, टुवर्ड्स सेंटर, और यही क्या एक्ट करती है, लाइक सेंट्रिपिटल। तो सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, सैटेलाइट का एम वी स्क्वायर बाय रेडियस कितना है, आर प्लस, तो यहां स्क्वायर नहीं लगाना, एम वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला होता है सेंट्रिपिटल का। तो इक्वेट कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करती है, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसिल, तो वी की वैल्यू आ गई। ये जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर है? आगे कैपिटल जीएम को स्मॉल जी की फॉर्म में लिखना है, तो सिखाया था कैपिटल जीएम है स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो इसकी जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? तो वी की वैल्यू क्लियर है यहां तक? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैपिटल जी और स्मॉल जी की फॉर्म में आ गई। स्पेशल केस है, अगर सैटेलाइट बहुत दूर नहीं है, सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक घूम रही है, जैसे 2-400 किलोमीटर, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ा होता है 6400 किलोमीटर, तो आर के मुकाबले एच अप्रोक्सीमेटली जीरो, नेग्लिजिबल है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर प्लस एच, एच को जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल ज्यादा यूज करते हैं,
अप्रोक्सीमेट अंडर रूट ऑफ जी एम बाय बड़ा आर, पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेना। और स्मॉल जी की फॉर्म में कैपिटल जी एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर, एच को नेग्लिजिबल, तो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ जी आर। तो दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे हम, ये ज्यादा यूज करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो अप्रोक्सीमेटली सैटेलाइट की जो स्पीड है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में एक सैटेलाइट अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर कितनी देर में कवर करती है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय स्पीड। ध्यान आ गए, डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर प्लस एच, और स्पीड क्या है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का फॉर्मूला हमारे पास है अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच, इसका रेसिप्रोकल लिया तो अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच बाय जी एम, ठीक। और r प्लस एच अंडर रूट के अंदर जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इनटू r प्लस एच होल क्यूब हो जाएगा, टाइम पीरियड आ गया। अब फिर अप्रोक्सीमेटली इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो h अप्रोक्सीमेटली क्या पुट किया जाएगा, जीरो। जब h को जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करके ये टर्म आएगी। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड हमने ये ड्राइव किया था, हम हाइट निकालना चाहते हैं एच, इसको स्क्वेयरिंग करें ये टर्म आएगी, आर प्लस एच का होल क्यूब एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो आर प्लस एच का होल क्यूब ये टर्म आएगी। होल क्यूब जब इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो एच निकालना है, आर इधर जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा। तो बस ये तो याद ही नहीं करना है, तो टाइम पीरियड लिखो, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग करो और हाइट अपने आप ही आ गई, याद करने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? और टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, जब एक सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमेगी, एम मास है उसके पास, वेलोसिटी ऑर्बिटल है वी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक काइनेटिक भी होगी। टोटल एनर्जी इज सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल का और ऑर्बिटल हमें पता है, पोटेंशियल क्या होगी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, और काइनेटिक क्या होगी सैटेलाइट की, हाफ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, वी की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट की होल स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी। इसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये टर्म आएगी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी याद करने का बड़ा सही फॉर्मूला है, आप सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, इसको 2 से डिवाइड कर दो, टोटल आ गई, सही है? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक टोटल एनर्जी का, ठीक। और लास्ट एक्सप्रेशन आज का, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी तो एस्केप वेलोसिटी है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ की सरफेस से फेंकना चाहते हैं विद सम वेलोसिटी वी, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाए, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो डेरिवेशन है ये ऑलमोस्ट आपने की हुई है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी में, याद करो
हमने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थी तो उसमें मास को कहां से लेके आए थे, इन्फिनिटी से आर तक, ऐसे होता है इन्फिनिटी से आर तक। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम आर से कहां लेके जाना चाहते हैं, इन्फिनिटी तक। तो ये स्टेप्स सेम है जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किए थे, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला था। और ये एक्स ले लो प्लीज, पी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से एक्स लो, एक्स बनाओ, क्योंकि जब मास दूर जाता जा रहा है फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो इंटीग्रेशन से वर्क डन निकलेगा। एक काम करते हैं, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां से इन्फिनिटी पे भेजें, आप अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से भेजें, इन्फिनिटी तक भेजें, सॉरी कहां से, आर से। तो पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकलेगा, लिमिट हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या लगाई थी, हम ऑब्जेक्ट को कहां से लेके आए थे, इन्फिनिटी से आर, इस बार उल्टी लिमिट है, आर से इन्फिनिटी। तो लिमिट उल्टी करनी है और कुछ नहीं करना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, लिमिट उल्टी कर दो। क्लियर है यहां तक, उल्टा भेज रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 की एक्स की पावर -1 बाय -1, माइनस बाहर आ गया, 1/x, एक बार अपर लिमिट इन्फिनिटी, एक बार लोअर आर, 1/∞ 0 होता है, आंसर सेम आया है, फर्क सिर्फ माइनस का है, क्योंकि लिमिट उल्टी करने से माइनस प्लस में हो गया बस। तो सेम हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जब डराइव करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी तो अपने आप ही तैयार हो रही है, तो यहां तक कर लेंगे। अब ये वर्क डन आप करोगे कैसे, एक बॉडी को कैसे दोगे, इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क डन रिक्वायर्ड है कि आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट को उठा के कहां पर फेंकना चाहते हो, इन्फिनिटी, और कैसे दोगे, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसको दोगे, ऑब्जेक्ट को, तो मास किसका, ऑब्जेक्ट का, और वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, एस्केप, क्योंकि इतना वर्क डन प्रोवाइड करने से वो मास एस्केप हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसल, एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा प्लैनेट का मास होगा एस्केप वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, आप प्लैनेट को छोड़ के भाग नहीं सकोगे, प्लैनेट आपको पकड़ के खींच लेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, अंडर रूट ऑफ 2gm/r, और ऐसा भी साइड पे लिखना है तो एक लाइन में लिख लो, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r, या फिर अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल जी स्क्वायर बाय आर, या फिर अंडर रूट ऑफ 2, ये भी लिख लो साइड पे, ये भी लिख लो। हाँ जी ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें। एस्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 11.2 किलोमीटर/सेकेंड, यानी कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना चाहते हो अर्थ के बाहर, वो वापस ना आए, तो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड उसको चाहिए होगी, और लगातार चाहिए, ये नहीं है कि एक बार दे दी उसके बाद भूल गए, इंजन लगाना पड़ेगा जो 11.2 किलोमीटर की 1 सेकेंड में कवर करता जाए, तो फिर वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, नीट में या नेन्स में, मुझे याद नहीं, मेन्स में, कि एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया अर्थ की सरफेस से, तो बोलो इसकी एस्केप वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी अगर वो अर्थ की पुल को बाहर निकलना चाहता है। रेंज तो अर्थ पे तो घेरना ही नहीं, हम तो जाते हैं बाहर ही चले जाए इन्फिनिटी। कितने लोग बोलते हैं कंपोनेंट लेंगे 11.2 का, नहीं लेंगे, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इन्फिनिटी ऐसे भी आती है, इन्फिनिटी ऐसे भी आती है, आप अगर भागना चाहते हो अर्थ को छोड़ के, तो जरूरी तो नहीं कि 90 डिग्री पे उड़ोगे, आप टेढ़ा उड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं, तो इसलिए एंगल कोई मैटर नहीं करता, याद रखना एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, अगर होता ना तो हम थीटा के साथ एक्सप्रेशन बनाते, तो आंसर विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें। और जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं वो अपना होमवर्क लेके जाएं, मैंने रोटेशनल मोशन का 92 या 93A करके फोल्डर में शीट का नंबर बता देता हूं, 1 मिनट, जो लोग नॉन मेडिकल के हैं वो 93A का प्रिंट आउट लेके जाएं, 93A, और जो मेडिकल के हैं वो 93A, यहां पे लिखा हुआ है नीट, ऊपर लिखा हुआ है मेंस, यहां लिखा है नीट, इसका प्रिंट आउट लेके जाएं, ये फॉर प्रैक्टिस है, मेडिकल के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मेडिकल के हाथ तो खड़ा करें, मेडिकल वाले आप करोगे, नॉन मेडिकल मैं करूंगा, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है, नॉन मेडिकल
नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल बुक से कर लोगे तीनों के पास? नॉन मेडिकल, नॉन मेड,